हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। एक प्रॉब्लम जो सब में आ रही है, आप सब बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं कि अगर हम ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस के अंदर रजिस्टर्ड थे, ओल्ड सिलेबस मतलब ओल्ड पैटर्न के अंदर रजिस्टर्ड थे, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। तो सबसे पहले आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि फाउंडेशन के लिए मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ जून में, ठीक है? तो बच्चों आपको फाउंडेशन ही देना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको मन करे कि नहीं यार मैं कन्वर्ट करके CSSET में आ जाऊँ, CSET में आ जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू अपीयर फॉर फाउंडेशन ओनली, ठीक है? नंबर टू, जो नए बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं, जो नए बच्चे CS कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, वो CSSET में रजिस्टर करेंगे। कल से चालू हो गए रजिस्ट्रेशन। नंबर थ्री, सर मैंने एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दिया हुआ है और मेरा 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा। पॉइंट नंबर वन, वो बच्चे कन्फ्यूज हैं। पॉइंट नंबर टू, सर मैंने एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देना है दिसंबर में, मेरा रिजल्ट आएगा, तो उन बच्चों का क्या? या फिर ऐसे लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो बच्चों उन लोगों के लिए अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, वो ओल्ड सिलेबस के अंदर ही, मतलब ओल्ड पैटर्न के अंदर ही हैं। लेकिन जैसा कि मेरी कुछ ऊपर के लोगों से बात हुई है, उनके हिसाब से विद इन 4 to 5 days से, अगर पैनिक मत होना, विद इन जैसे ही रिजल्ट आएगा, मेरे हिसाब से नया रिजल्ट आता है 25 फरवरी को, यू विल गेट एन ऑप्शन। आपको एक ऑप्शन आएगा, किस चीज़ का ऑप्शन आएगा कि आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो इन द न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। लाइक आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई आप या तो फाइन, आप पुराने सिलेबस के अंदर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप फाइनल वैसे दीजिए, डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है, यू अपीयर फॉर फाइनल। या फिर आपके ऐसे एक ऑप्शन आएगा कि आप फाइनल अभी अपीयर मत कीजिए, फाइनल आप पहले क्या कीजिए, 21 महीने की आर्टिकलशिप कीजिए और फिर आप आगे का मतलब आप 21 महीने के बाद ट्रेनिंग करने के बाद एग्जाम दीजिए और गेट द डिग्री ऑफ CS एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का कुछ डिग्री मिलता है बच्चों, यू गेट अ सर्टिफिकेट ऑल्सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर आर्टिकलशिप, ठीक है? सो ये उन बच्चों के लिए। जो बच्चे ऑलरेडी प्रोफेशनल कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी CS एग्जीक्यूटिव का आपका रिजल्ट आ चुका है और आप CS प्रोफेशनल कोर्स में रजिस्टर हो चुके हैं, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको 12 मंथ्स के अंदर ही, मतलब जो आपकी 12 मंथ्स की और 15 मंथ्स की आर्टिकल्स थी, आपको वही आर्टिकलशिप करनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, इसके बारे में प्लीज़ कोई कन्फ्यूज मत रहिए, क्योंकि कल से आप लोग के बहुत डाउट आ रहे हैं कि सर मैं जून में जा सकती CSSET दे सकता हूँ, नहीं दे सकते। सर अगर मैंने दिसंबर में, मैं कई ऐसे बच्चे होंगे जो दिसंबर एग्जाम के लिए ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे क्योंकि वो 12th वाले रजिस्टर कराते हैं, 12th वाले रजिस्टर मार्च में कराते हैं। तो अगर मेरे ख्याल से जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है दिसंबर के फाउंडेशन के लिए, उनके लिए इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से ऑप्शन, क्योंकि फाउंडेशन का एग्जाम तो डिसकंटिन्यू हो गया है, जून वुड बी द लास्ट एग्जाम, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से अपने आप स्विच हो जाएंगे किसमें, CSSET में। लेकिन इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आने हैं। तो बच्चों अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप ओल्ड सिलेबस के अंदर रजिस्टर्ड हैं, आप कल के पहले रजिस्टर्ड थे, तो आपको बच्चों बिलीव, मतलब आपको ओल्ड सिलेबस ही एप्लीकेबल होगा। एग्जीक्यूटिव का एग्जाम आने, एग्जीक्यूटिव के जो बच्चे ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट 25 फरवरी को आएगा, वो क्या करेंगे, उनको चॉइस मिलेगा। जिनका रिजल्ट जो जून में एग्जाम देंगे, जिनका रिजल्ट अगस्त में आएगा एग्जीक्यूटिव का, वो भी क्या, उनको भी चॉइस मिलेगा। तो एवरी वन विल गेट अ चॉइस। मेरे हिसाब से 25 फरवरी के बाद से आपको चॉइस मिलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज यार, अपना कोर्स बेस्ट है। अगर कन्फ्यूज रहेंगे आप लोग, अच्छा नहीं लगता मुझे। सो प्लीज़ हैव द बेस्ट टाइम और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपॉर्चुनिटीज अभी और ज़्यादा आएंगी और एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इस पेपर में ऐसा है कि जो नया एग्जाम का पैटर्न है उसमें कुछ 170 मार्क्स के टोटल पेपर्स हैं और 25-25 मार्क के, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे सब कुछ डला हुआ है। तो MCQ भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा और वाइवा भी होंगे, ऑनलाइन वाइवा। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ यूज़ करने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर के सामने आपसे क्वेश्चन आएंगे और आपको फेस टू फेस आंसर करने हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट अपनी बहुत हाईटेक हो रही है, तो इट्स रियली ग्रेट थिंग। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा और इनफैक्ट मोर एंड मोर स्टूडेंट शुड स्टार्ट CS कोर्स। बच्चे थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।